इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका डंका अब G7 समिट में बजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 में दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है। G7 की मीटिंग में पीएम मोदी के दिए इस आइडिया की दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने तारीफ की है और मोदी के मिशन का समर्थन किया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने मीटिंग के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत समेत दूसरे देशों को वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति में छूट देने की मांग की और कच्चे माल से बैन हटाने की डिमांड की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी बैठक के दौरान वैक्सीन पर भारत को रियायत देने की वकालत की और वैक्सीन के मुद्दे पर भारत की मदद करने का ऐलान भी किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मोदी की इस मुहिम का समर्थन किया है। G7 के शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपको सुनाते हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान समर्थन देने वाले देशों को धन्यवाद। भारत भविष्य में ऐसे किसी महामारी से निपटने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। मानवता के लिए वन अर्थ वन हेल्थ हमारा संदेश है। अपनी स्पीच में मोदी ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, महामारी के खिलाफ भारत ने एक समाज के तौर पर लड़ाई लड़ी और इसमें सरकार, उद्योग और सिविल सोसाइटी की एक समान भूमिका रही। भारत ने ओपन सोर्स डिजिटल टूल का इस्तेमाल किया, इससे संक्रमित लोगों की पहचान करने और वैक्सीन के मैनेजमेंट में मदद मिली। भारत अपने इस अनुभव को दूसरे देशों के साथ साझा करने को भी तैयार है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।